जवान मूवी के कुछ ऐसे चार सीन देखेंगे आज जो बहुत मस्त होने वाले हैं, और ये मूवी के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे जानकर आप भी कहोगे इस मूवी में कुछ तो बात है। कैसे इस मूवी ने कुछ ही दिनों में 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो कहानी है जवान मूवी की। नाम तो सुना होगा। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि गांव वाले पूजा कर रहे थे, अचानक गांव वाले लोगों पर कोई बाहर से हमला कर देता है। उन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। वहां एंट्री होती है हमारे हीरो की। जैसे ही हीरो की एंट्री होती है तो गांव वाले सब देखते रह जाते हैं। वाओ। सीन चेंज होता है और उसके बाद हमें मेट्रो को दिखाया जाता है और बेसिकली इस मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है। जब मेट्रो में सब पागल हो जाते हैं और उसके बाद जवान एंट्री करता है थिएटर में, जैसे सब पागल हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। वाओ, ये एपिक सीन था एक। तो इस सीन में एक मिशन दिया जाता है जिसमें कुछ टेररिस्ट बेगुनाह इंसान को बंदी बनाकर रखा जाता है और हमारी इंडियन आर्मी उनको छुड़ाने के लिए जाती है, वो सारे शहीद हो जाते हैं। पहला मिशन फेल होने की वजह से एक स्पेशल टास्क फोर्स आर्मी भेजी जाती है जिससे बेगुनाह इंसान को छुड़ाया जा सके। विक्रम राठौर की आर्मी जब लड़ रही थी अचानक उन लोगों की गन काम करना बंद कर देती है। फिर उन लोगों ने जैसे तैसे इस मिशन को पूरा तो किया। जब विक्रम राठौर स्टेज में स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि इस गन पे कमिटी बैठनी चाहिए। फिर आगे का सीन, तो इस सीन में बेसिकली होता ये है कि जो गन सप्लाई करता है वो बोलता है इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ठीक से गन को यूज ही नहीं किया है। विक्रम राठौर उठते हैं और जज को कहते हैं कि मैं गन को यूज करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे यूज किया था। गन को उठाने के बाद उन्होंने पहले गन को रिलोड किया, ऑटो फंक्शंस को ऑन किया, फिर उन्होंने कहा शूट हिम। तो जैसे ही उन्होंने शूट किया टारगेट को घुमाकर गन को शूट कर दिया। फिर विक्रम राठौर कहने लगे इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम चंद पैसे के लिए मुनाफा कमा सको ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये सबसे लास्ट सीन और सबसे ज्यादा धमाकेदार सीन था क्योंकि इस सीन में ट्रक को लूटा जाता है और इस जो एक्साइटेड और जो एक्शन था ना वो मजा आ जाता है देखकर। अगर ये सीन मूवी में नहीं होते तो मूवी के जो कुछ मसाले थे वो फीके पड़ जाते। इसमें सारे सीन बहुत गंदे थे क्योंकि ये सीन अगर मूवी में नहीं होते तो मूवी के कुछ मसाले थे वो सच में फीके पड़ जाते। पैर की चिंगारी की वजह से बीड़ी जलने लग जाती है, फिर बीड़ी को टंकी में फेंक देते हैं, उसके बाद टंकी में आग लग जाती है, फिर बाइक को लात मार कर आगे भेज देते हैं, फिर सारे गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। मूवी की कहानी हमें ये सिखाती है जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान को कितनी बार हम चेक करते हैं तब जाकर हम वो सामान खरीदते हैं। उसी तरह जब हम किसी को वोट देते हैं तो हमें भी उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद। मैं बस अपनी एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। अब यहाँ तक देख लिया है तो अपने स्किप कर सकते हो आप। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा था क्योंकि मैंने वीडियो पे क्लिप यूज किया था जो कि मुझे नहीं पता कि इस पे यूज करने पर मुझे स्ट्राइक लग सकता है, इसीलिए मैंने सारे क्लिप्स को डिलीट किया और उसके बाद मैंने वीडियो को डिलीट करके उस पे फुटेज पे वॉइस ओवर किया है। पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। थैंक यू।